जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त कवि राहुल नागपाल। जैसा कि मैंने आपको रात बताया था कि चंद्रशेखर वाले मामले पर मैं सुबह आपसे आपके सामने रूबरू हूँगा, तो अभी घड़ी में लगभग 10 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूँ अपने वादे के अनुसार। दोस्तों, कल जो पटना की रैली को लेकर के कुछ जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन्होंने जो चंद्रशेखर भाई के बारे में लिखा है, मैं उन सारी चीज़ों की ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर ने ये कहा वहाँ पर कि जी कोई नेता, मतलब यूपी के नेता हैं जिन्होंने, जिनको उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की जो वो का शोषण हो रहा है यूपी में, तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात का मतलब जो है वो बहन कुमारी मायावती से निकाल लिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, अगर नाम पूछने वाली बात है तो मैं नाम ये बता सकता हूं कि वो बहन जी के लिए नहीं कहा गया। मैं भीम आर्मी का एक साधारण कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो बात बहन जी के लिए नहीं कही गई, वो बात सतीश मिश्रा के लिए कही गई है, क्योंकि सतीश मिश्रा यूपी से राज्यसभा सांसद हैं, बसपा के राज्यसभा सांसद हैं। जब 2 तारीख को भारत बंद के दौरान हमारे 11 बच्चे, 11 साथी शहीद होते हैं, उस पर सतीश मिश्रा जी एक स्टेटमेंट तक नहीं देते, उन 11 बच्चों के परिवार से जाकर के नहीं मिलते, उन 11 लोगों की के लिए कोई मांग नहीं करते सरकार से, ये तक नहीं कहते कि इनके लिए भी, इनके परिवार के लिए सरकारी नौकरियां हों, इनको जमीनें मिलें, इन्हें मुआवजे मिले, जबकि ये पता है कि उन 11 में से 2 केवल पुलिस की गोली से मारे गए और 9 लोग जो वो राजा चौहान जैसे लोगों की गोली से मारे गए। तो जब राजा चौहान को जमानत मिलती है तो तब तो वहां सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत रुकवाने के लिए सतीश मिश्रा जी नहीं जाते, जबकि वो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन अगर विवेक तिवारी नाम का व्यक्ति रात को 1 बजे अपनी महिला मित्र के साथ में लखनऊ के रोड पर, सुनसान जगह पर, आपत्तिजनक स्थिति में, या मैं नहीं कह रहा हूं किस स्थिति में थे, लेकिन रात को 1 बजे एक बंद गाड़ी में थे और वो पुलिस उनको बाहर निकलने के लिए बोलती है और उस हादसे में पुलिस गोली चलाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो सतीश मिश्रा जी अगले दिन उनके घर पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि इसका मुकदमा मैं लड़ूंगा, पुलिस के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, हमारे बाप दादों ने खून पसीने से बहुजन समाज पार्टी को सींचा है। कुछ लोग कल से एक बार इस सवाल को दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर ये तय करें, ये बताएं कि वो बसपा के समर्थन में है, बसपा के बहन जी के समर्थन में है या नहीं है। तो भाई, चंद्रशेखर तो अनेकों बार इस बात को कह चुके हैं, हम बसपा के हैं, बहुजन समाज के हैं, हम बहुजन समाज बना रहे हैं, कांशीराम साहब हमारे आदर्श हैं, बहुजन समाज की 6,743 जातियों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो सपना कांशीराम साहब का था कि बहुजन समाज के लोग देश के हुक्मरान बने, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बहुजन समाज की सरकार बने, मोदी की सरकार हटे, योगी की सरकार हटे, तो उस दिशा में तो भाई चंद्रशेखर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भीम आर्मी का प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा, प्रत्येक पदाधिकारी काम कर रहा। लेकिन फिर भी बार बार राजा ने क्यों लोग इसको, इस बात को उठाते हैं कि चंद्रशेखर का और बहन जी को लेकर के, तो ये बिल्कुल स्पष्ट, भाई चंद्रशेखर भी पहले कर चुके हैं और मैं आज फिर तो इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि हम लोग बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भगवान बुद्ध की इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। लेकिन अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज को छोड़ करके, बहुजन समाज की बात ना करके दूसरी किसी की बात करेगा, तो ये हमारी बाबा साहब के समस्त अनुयायियों की, उनके मिशन के सिपाहियों की ड्यूटी बन जाती है कि हम उसका विरोध करें, चाहे वो सतीश मिश्रा ही क्यों ना हो। दूसरी चीज जो एक बात और बार बार उठ करके आ रही है, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे कल भी फोन किया और आज भी मुझे मेल भी किया, कई लोगों ने, मैंने उसको देखा कि भाई चंद्रशेखर इतनी सारी सुरक्षा लेकर के क्यों चलते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई चंद्रशेखर पूरे देश में आज दौरा कर रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर की रैली हो जो उन्होंने विजिट करी, वहाँ 50,000 आदमी फूलबाग मैदान में भाई चंद्रशेखर को देखने और सुनने के लिए आया, बिजनौर की रैली में 50,000 आदमी, जितना आदमी ग्राउंड में था उससे ज़्यादा बाहर था, अब कल की चाहे पटना की रैली हो जिसमें 50,000 आदमी गांधी मैदान में पहुंचा, तो ये कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर भाई ने एक माहौल देश के अंदर तैयार किया है और बहुजन समाज में वो बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं, दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जब इतना सारा
जो लोग चंद्रशेखर भाई को समर्थन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मुट्ठी भर दुश्मन भी होंगे, और अभी तो सहारनपुर को बीते हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के निशाने पर भी हैं। और अगर समाज उनको सुरक्षा दे रहा, भाई चंद्रशेखर तो कोई अपनी सुरक्षा उनकी है नहीं, लेकिन समाज ये चाहता है कि उनकी सुरक्षा हो, उनके साथ में दो चार पांच लोग सुरक्षा के हों, वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ लोकल लोग जो होते हैं उनकी सुरक्षा में जो भी उन पर साधन होते हैं उसके साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि भाई चंद्रशेखर रावण जो जो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, ये आने वाला समय बताएगा। कुछ लोग कुछ अपनी अपनी तरीके से कहते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि भीम आर्मी अभी तक जो काम कर रही है, भाई चंद्रशेखर जो अभी तक काम कर रहे हैं वो स्पष्ट है और वो सबको दिखाई दे रहा है। हम लोग बहुजन समाज और एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं चला रहे, भीम आर्मी कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही है, भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन के होते हुए उन सामाजिक संगठन की क्या दशा और दिशा होनी चाहिए उस पर भी भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर उनकी पूरी जो एंटायर टीम है वो सही दिशा में चल रही है। तो मैंने पहली बात का जवाब दे दिया कि वो जो बात कल पटना की रैली में कही गई जिसको लोग बहन जी से जोड़ करके देख रहे हैं वो सबके लिए कही। भाई चंद्रशेखर ने तो ये भी कहा उस रैली में कि जो लोग जय भीम नमो बुद्धाय, दोस्तों मैं आपका मित्र आपका दोस्त कवि राहुल नागपाल। जैसा कि मैंने आपको रात बताया था कि चंद्रशेखर वाले मामले पर मैं सुबह आपसे आपके सामने रूबरू हूँगा, तो अभी घड़ी में लगभग 10 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूँ अपने वादे के अनुसार। दोस्तों कल जो पटना की रैली को लेकर के कुछ जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन्होंने जो चंद्रशेखर भाई के बारे में लिखा है, मैं उन सारी चीज़ों की ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर ने ये कहा वहाँ पर कि जी कोई नेता मतलब यूपी के नेता हैं जिन्होंने जिनको उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की जो वो का शोषण हो रहा है यूपी में, तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात का मतलब जो है वो बहन कुमारी मायावती से निकाल लिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर नाम पूछने वाली बात है तो मैं नाम ये बता सकता हूँ कि वो बहन जी के लिए नहीं कहा गया। मैं भीम आर्मी का एक साधारण कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि वो बात बहन जी के लिए नहीं कही गई, वो बात सतीश मिश्रा के लिए कही गई है, क्योंकि सतीश मिश्रा यूपी से राज्यसभा सांसद हैं, बसपा के राज्यसभा सांसद हैं। जब 2 तारीख को भारत बंद के दौरान हमारे 11 साथी शहीद होते हैं, उस पर सतीश मिश्रा जी एक स्टेटमेंट तक नहीं देते, उन 11 बच्चों के परिवार से जाकर के नहीं मिलते, उन 11 लोगों की के लिए कोई मांग नहीं करते सरकार से, ये तक नहीं कहते कि इनके लिए भी इनके परिवार के लिए सरकारी नौकरियां हों, इनको जमीनें मिले, इन्हें मुआवजे मिले, जबकि ये पता है कि उन 11 में से 2 केवल पुलिस की गोली से मारे गए और 9 लोग जो वो राजा चौहान जैसे लोगों की गोली से मारे गए। तो जब राजा चौहान को जमानत मिलती है तो तब तो वहां सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत रुकवाने के लिए सतीश मिश्रा जी नहीं जाते, जबकि वो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन अगर विवेक तिवारी नाम का व्यक्ति रात को 1 बजे अपनी महिला मित्र के साथ में लखनऊ के रोड पर सुनसान जगह पर आपत्तिजनक स्थिति में, या मैं नहीं कह रहा हूं किस स्थिति में थे, लेकिन रात को 1 बजे एक बंद गाड़ी में थे और वो पुलिस उनको बाहर निकलने के लिए बोलती है और उस हादसे में पुलिस गोली चलाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो सतीश मिश्रा जी अगले दिन उनके घर पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि इसका मुकदमा मैं लड़ूंगा, पुलिस के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, हमारे बाप दादों ने खून पसीने से बहुजन समाज पार्टी को सींचा है। कुछ लोग कल से एक बार इस सवाल को दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर ये तय करें, ये बताएं कि वो बसपा के समर्थन में है, बसपा के बहन जी के समर्थन में है या नहीं है। तो भाई चंद्रशेखर तो अनेकों बार इस बात को कह चुके हैं, हम बसपा के हैं, बहुजन समाज के हैं, हम बहुजन समाज बना रहे हैं, कांशीराम साहब हमारे आदर्श हैं, बहुजन समाज की 6,743 जातियों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो सपना कांशीराम साहब का था कि बहुजन समाज के लोग देश के हुक्मरान बने, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बहुजन समाज की सरकार बने, मोदी की सरकार हटे, योगी की सरकार हटे, तो उस दिशा में तो भाई चंद्रशेखर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भीम आर्मी का प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा, प्रत्येक पदाधिकारी काम कर रहा है।
लेकिन फिर भी बार बार ना जाने क्यों लोग इसको इस बात को उठाते हैं कि चंद्रशेखर का और बहन जी को लेकर के। तो ये बिल्कुल स्पष्ट भाई, चंद्रशेखर भी पहले कर चुके हैं, और मैं आज फिर तो इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि हम लोग बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भगवान बुद्ध की इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। लेकिन अगर कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज को छोड़ करके बहुजन समाज की बात ना करके दूसरी किसी की बात करेगा तो ये हमारी बाबा साहब के समस्त अनुयायियों की उनके मिशन के सिपाहियों की ड्यूटी बन जाती है कि हम उसका विरोध करें, चाहे वो सतीश मिश्रा ही क्यों ना हो। दूसरी चीज जो एक बात और बार बार उठ करके आ रही है, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे कल भी फ़ोन किया और आज भी मुझे मेल भी किया, कई लोगों ने मैंने उसको देखा कि भाई चंद्रशेखर इतनी सारी सुरक्षा लेकर के क्यों चलते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई चंद्रशेखर पूरे देश में आज दौरा कर रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर की रैली हो जो उन्होंने विजिट करी, वहाँ 50,000 आदमी फूलबाग मैदान में भाई चंद्रशेखर को देखने और सुनने के लिए आया। बिजनौर की रैली में 50,000 आदमी, जितना आदमी ग्राउंड में था उससे ज़्यादा बाहर था। अब कल की चाहे पटना की रैली हो जिसमें 50,000 आदमी गांधी मैदान में पहुँचा। तो ये कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर भाई ने एक माहौल देश के अंदर तैयार किया है और बहुजन समाज को बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं, दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जब इतना सारा जो लोग चंद्रशेखर भाई को समर्थन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मुट्ठी भर दुश्मन भी होंगे। और अभी तो सहारनपुर को बीते हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के निशाने पर भी हैं। और अगर समाज उनको सुरक्षा दे रहा है, भाई चंद्रशेखर तो कोई अपनी सुरक्षा उनकी है नहीं, लेकिन समाज ये चाहता है कि उनकी सुरक्षा हो, उनके साथ में 2-4-5 लोग सुरक्षा के हों, वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ लोकल लोग जो होते हैं उनकी सुरक्षा में जो भी उन पर साधन होते हैं वो उसके साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि भाई चंद्रशेखर रावण जो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, ये आने वाला समय बताएगा। कुछ लोग कुछ अपनी अपनी तरीके से कहते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि भीम आर्मी अभी तक जो काम कर रही है, भाई चंद्रशेखर जो अभी तक काम कर रहे हैं वो स्पष्ट है और वो सबको दिखाई दे रहा है। हम लोग बहुजन समाज और एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं चला रहे, भीम आर्मी कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही है, भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। और सामाजिक संगठन के होते हुए उन सामाजिक संगठन की क्या दशा और दिशा होनी चाहिए उस पर भी भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर उनकी पूरी जो एंटायर टीम है वो सही दिशा में चल रही है। तो मैंने पहली बात का जवाब दे दिया कि वो जो बात कल पटना की रैली में कही गई जिसको लोग बहन जी से जोड़ करके देख रहे हैं वो सबके लिए कही। भाई चंद्रशेखर ने तो ये भी कहा उस रैली में कि